हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है स्पोर्टलिया यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ISL के बहुत सारे क्लबों के लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ खबर में। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के ISL ट्रांसफर मार्केट के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था और आप सभी को अलग सोर्सेस के जरिए पता है भी चल चुका होगा कि आकाश मिश्रा के ऊपर ISL के दो सबसे बड़ा क्लब मुंबई सिटी FC और ATK मोहन बगान अपने इंटरेस्ट दिखा रहा था और उनको साइन करने के लिए रेस में भी था इन दोनों क्लब। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार आकाश मिश्रा को हैदराबाद FC से मुंबई सिटी FC ने साइन कर लिया है और मुंबई सिटी FC ने हैदराबाद FC को इससे बदले 3 करोड़ की ट्रांसफ़र फी और बिजनेस को भी साथ में हैदराबाद FC में स्वैप डील के जरिए दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आकाश मिश्रा मुंबई सिटी FC में कंप्लीट साइन हो चुका है और हैदराबाद FC को मुंबई सिटी FC ने आकाश मिश्रा के बदले 3 करोड़ ट्रांसफ़र फी और बिजनेस को साथ में दिया है। मेरे हिसाब से ये डील दोनों ही क्लबों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि आकाश मिश्रा बहुत ही अच्छा टैलेंटेड इंडियन प्लेयर है और मुंबई सिटी FC के लिए एक बहुत बड़ा गुड साइनिंग होगा और हैदराबाद FC के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि उनको 3 करोड़ ट्रांसफ़र भी मिला और साथ में एक अच्छा लेफ्टबैक बिजनेस को भी मिला है। तो दोनों क्लबों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की तरफ से। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC एक नया स्पेनिश स्ट्राइकर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। इस खिलाड़ी का नाम है रूबिन मेसा। जी हाँ, रूबिन मेसा के ऊपर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इंटरेस्ट दिखा रहा है और इनके 31 ईयर्स ओल्ड खिलाड़ी है और अभी यह खिलाड़ी स्पेन के थर्ड टायर लीग में खेल रहा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए डील हो सकता है क्योंकि इनको अच्छा खासा स्पेनिश थर्ड टायर लीग में अच्छा खासा गेम टाइम भी मिल रहा है। शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC अगर ये डील पक्का कर लेता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल गया है चेन्नई FC के फैनों के लिए। चेन्नई FC ने अपने टीम में शामिल करने के लिए सोचा है अनिकेत जाधव को। जी हाँ दोस्तों, अनिकेत जाधव इससे पहले SC बंगाल के लिए खेल रहा था और अभी चेन्नई FC इस खिलाड़ी को साइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है और शायद इस साल SC बंगाल अनिकेत जाधव को ऑफर भी नहीं भेजा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए। तो अभी चेन्नई FC इस खिलाड़ी को साइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर रहा है केरला ब्लास्टर FC के तरफ से। केरला ब्लास्टर FC ने अपने टीम में इंटरेस्ट दिखा रहा है स्पेनिश सेंटर डिफेंडर खिलाड़ी डिएगो गोंजालेस के ऊपर। जी दोस्तों, अभी केरला ब्लास्टर FC अपने टीम में शामिल करने के लिए सोच रहा है स्पेनिश सेंटर डिफेंडर खिलाड़ी डिएगो गोंजालेस को। जी दोस्तों, अभी एक रूमर के दौर पर निकल कर आ रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई नया न्यूज़ निकल आएगा तो मैं आप सभी को जरूर इन्फॉर्म कर दूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल स्किप स्माइल।